दिन 3:45 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने आगे जाके, कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने, तो उसको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े जैसे आज अभिनव को करना पड़ रहा है। जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जैसे एलिगेशंस लगाने हैं वो लगाए, अभिनव अपने भक्ति के मार्ग पर हमेशा ही रहेगा। ये है ज्योति अरोड़ा, बाल संत के नाम से चर्चित अभिनव अरोड़ा की माँ, जिन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए ये बताया कि उनके बेटे अभिनव अरोड़ा को लेकर उनके पास धमकी भरे मैसेज आए हैं, जिसमें इसको जान से मारने की बात कही गई है। ज्योति अरोड़ा का दावा है कि उनके बेटे को मारने की धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो सलमान खान को धमकाने, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी को मारने और पप्पू यादव को भी कथित तौर से धमकाने के मामलों में चर्चाओं में बने हुए हैं। ज्योति अरोड़ा का कहना है कि उसी बिश्नोई गैंग ने उनके बेटे को मारने की धमकी दी है। आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया, हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30-4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। देखिए, राम भद्राचार्य जी के साथ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ था जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा की मां के इन दावों ने एक अलग तरह की चर्चा खड़ी कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो गैंगस्टर बड़े बड़े नामी लोगों को अपने निशाने पर लेता रहा है, वो आखिर एक छोटे से 10 साल के बच्चे से बैर क्यों पालेगा, और उसको मारने की धमकी देने से उसको क्या हासिल होगा। हालांकि इन चर्चाओं के बीच अब तक बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही जिस धमकी भरे मैसेज की बात ज्योति अरोड़ा कह रही हैं, वो भी जांच का विषय बन सकता है, ताकि ये पता चल सके कि कोई शरारती तत्व तो नहीं जो बिश्नोई गैंग के नाम से ऐसी हरकत कर गया। खैर, जिस अभिनव अरोड़ा की इतनी बात हो रही है, वो स्वामी राम भद्राचार्य की डांट खाने वाली एक वीडियो के वायरल होने से इतनी चर्चाओं में आया है। उसकी उम्र महज 10 साल है, जो एक धार्मिक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है, और इसके 9.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। ये सोशल मीडिया में अपनी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े वीडियो बनाकर शेयर करता है, जिस पर इसे लोगों के खूब लाइक्स भी मिलते हैं। इस तरह से इसने अपनी एक पहचान बनाई है। इसके परिवार का कहना है कि उसे जानबूझकर ट्रोल और टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों इसकी वायरल होती एक वीडियो पर स्वामी राम भद्राचार्य का भी एक बयान आया था, सुनिए तब उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा था। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहते हैं? ये दुर्भाग्य, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। जी, उसके लिए आप क्या कहते हैं? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था।